अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे ENG 101 की GDB नंबर 1 के सॉल्यूशन पे बात। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो लास्ट जो ओपन डेट है इसकी, ये 8 है, 8 दिसंबर को आपकी ये GDB जो है ये ओपन हो जाएगी। आपने अपना सोल्यूशन जो है वो LMS पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके पास टॉपिक है, टॉपिक क्या है कि यू नेवर चेंज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करते अनटिल जब तक यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ जाते, आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करते। चेंज बिगन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, तो चेंज कब आता है? चेंज तब आता है जब आपका कंफर्ट जोन का जो कंफर्ट जोन जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, फिर आपका चेंज जो है वो शुरू होता है। तो ये एक स्टेटमेंट गिवन है, तो इस पर आपने कमेंट करना है, इसके बारे में आपने राइट करना है, लिखना है। तो वो किस तरह से लिखना है अभी आपको दिखाऊंगी मैं सोल्यूशन, तो आप वहाँ से देख के ईजिली सेम एज इट इज़ भी राइट कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गिवन हैं, इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी होती है, इनकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। तो देखें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपका जो आंसर हो वो 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान हो। 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 150 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें इस GDB की 2% वेटेज जो होगी वो ऐड होगी। ठीक है, मज़ीद इंस्ट्रक्शंस कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखने से पहले हम देख लें कि किस तरह से GDB आपने अपलोड करनी है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा किस तरह से GDB अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपने GDB के टैब पे आना है, इसको ओपन करना है और ओपन कर के अभी ये देखिए 8 दिसंबर को आपकी GDB जो है ये ओपन हो गई। ठीक है, आज 6 है तो अभी ओपन नहीं हुई। जब ये GDB ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा GDB का स्टेटस ओपन और सबमिट स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट स्टेटस पे आप क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके तो आप जाएंगे नीचे, GDB के क्वेश्चन लिखा होगा पहले ऊपर और नीचे आपके पास एक टैब होगा पोस्ट मैसेज। तो पोस्ट मैसेज पे जाके आपने अपना आंसर जो है वो राइट करना है और उसको अपलोड कर देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि GDB जो है उसको आप अगर एक दफ़ा अपलोड कर देंगे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो असाइनमेंट होती है उसको आप बार बार चेंज कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो GDB है वो एक दफ़ा अपलोड हो गई तो आप उसको अगेन चेंज नहीं कर सकते। इसलिए करेक्ट सॉल्यूशन जो है वो राइट करके फिर ही उसको अपलोड कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन ENG 101 की GDB 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशन जो है वो राइट किया है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट थी जिस पे हमने कमेंट करना था उसको मैंने राइट कर लिया कि लाइफ बिगन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, तो क्या कहा था यहाँ पे, चेंज बिगन्स आएगा। ठीक है, चेंज जो है वो कब शुरू होता है? जब आपका कंफर्ट जोन जो है वो ख़त्म होता है तो चेंज शुरू हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है इसको मैंने पहले राइट किया, पहले हम इस पर बात करेंगे जो सेकेंड सेंटेंस था, फिर हम फर्स्ट सेंटेंस पे बात करेंगे। तो इसमें आपने क्या लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है कि मोस्ट पीपल ट्राई टू अवॉइड अनफेमिलियर आर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। ठीक है, जब तक सिचुएशन जो है वो कंफर्टेबल होती है, ठीक है, तब तक आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाते। जब कंफर्टेबल जोन जो है वो एंड होता है, ख़त्म होता है, फिर चेंज जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पे वही बताया है कि मोस्ट पीपल, बहुत से लोग जो हैं वो अनफेमिलियर या अनकंफर्टेबल जो सिचुएशंस होते हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर ताहम इट्स दीज सिचुएशंस डेट ऑफन हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू हेल्प अस ग्रो एज इंडिविजुअल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अनकंफर्टेबल अनफेमिलियर सिचुएशन जो है उनको अवॉइड करने से क्या होता है कि ये सिचुएशन क्या करती हैं कि ऑफन हैव द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू हेल्प अस ग्रो एज इंडिविजुअल। ये जो सिचुएशन है ये हमें हेल्प करती हैं, पोटेंशियल हेल्प देती हैं कि इसमें कि ग्रो करने में, इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर ग्रो करने में। नेक्स्ट क्या है कि लाइफ इज एन एडवेंचर। ठीक है, सो इट्स ऑफन द रोड लेस ट्रेवल्ड डैट विल टेक यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसेस। यहाँ पे आप जो है लाइफ नहीं, लाइफ भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप चेंज लिखने तो ज़्यादा सूटेबल होगा। चेंज इज़ एन एडवेंचर। ठीक है, तो चेंज जो है वो एक एडवेंचर होता है जिससे क्या कहते हैं, आप चेंज चीज़ों को नहीं करेंगे, चीज़ों को सेम रहने देंगे तो उससे क्या होगा,
कि एक ही चीज़ रोज़ाना, लेकिन आप चेंज करेंगे तो आप नई नई चीज़ों को का एडवेंचर करेंगे, नई नई चीज़ जगह पे अगर आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है, उससे नई नई चीज़ें आप सीखेंगे, तो फिर चेंज जो है वो एक एडवेंचर है, उसको चेंज ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इससे वही बात जाहिर हो रही है, चेंज जो है वो ज़रूरी है। सो व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम ब्रेकिंग आउट योर कम्फर्ट जोन, ठीक है। इन ऑर्डर टू ब्रेक आउट ऑफ आवर कम्फर्ट जोन वी मस्ट फर्स्ट बी विलिंग टू डू समथिंग दैट वी डू नॉट नॉर्मली कंसिडर डूइंग। दिस फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस इज नॉट ईजी फॉर मोस्ट पीपल। इस तरह से ये आपने इतना राइट करने के बाद लिखना है। हाउएवर ताहम दिस लेसन विल सर्व अस वेल इन मैनी सिचुएशन स्पेशली एज वी ग्रो ओल्डर। द फियर ऑफ फेलियर आर द फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई मोस्ट पीपल डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। इट्स फार टू कॉमन फॉर पीपल टू क्वेश्चन देमसेल्व्स एंड दियर अबिलिटीज बिफोर टेकिंग द प्लंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस इवन थ्रो इट्स, ठीक है, लाइकली डैट दे विल रिग्रेट इट लेटर ऑफ ऑन ऑफ इफ़ दे डोंट, ठीक है। तो ये हमारा जो एक स्टेटमेंट थी उस पर हमने कमेंट कर लिया, उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। इसी तरह से आपने सेम एज इट इज़ लाइन्स भी आप राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो है अब दूसरी स्टेटमेंट जो है, नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ठीक है। कम्फर्ट जोन से स्टेप आउट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, करना चाहिए, चेंज लाना चाहिए, ठीक है। तो अब उस पर बात हम करेंगे। टू रियली एक्सपीरियंस लाइफ एंड ग्रो एज अ पर्सन वी नीड टू गो बियॉन्ड आवर कम्फर्ट जोन, ये लाइफ को रियली एक्सपीरियंस लाइफ ग्रो, ठीक है, ग्रो पर्सन बनने के लिए, ये लाइफ को एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कम्फर्ट जोन से बाहर आना चाहिए और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। वी नीड टू एक्सपेंड आवर नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, चेंज लाना चाहिए, ठीक है। द मोर वी नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, जितना हम जानेंगे वर्ल्ड के बारे में, बेटर एबल वी आर मेक डिसीजन डैट विल इम्प्रूव आवर लाइफ, ठीक है। जितना हम दुनिया को जानेंगे, जितना हमारे पास नॉलेज होगा, जितना हमारे पास चेंज आएगा, उतना हमारा नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो क्या होगा कि हम उतने एबल होंगे अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने में, हमारी लाइफ जो है वो इम्प्रूव होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा कमेंट उस स्टेटमेंट पे, ठीक है, जो हमें GDB के क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने दोनों स्टेटमेंट पे जो है अपना कमेंट दे दिया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और एज इट इज़ अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। किस तरह से GDB आपने अपलोड करनी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट ईयर से पहले अपलोड करनी है, और एक दफ़ा अगर आप अपलोड कर लेंगे तो आप अपनी GDB को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। असाइनमेंट तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन GDB को चेंज नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, सोल्यूशन जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नेक्स्ट ENG 101 की असाइनमेंट्स, GDB और क्विज़ेस के सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।